नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में एक अजीब टाइप का संकट खड़ा हो गया है। मतलब किसी भी समय रूस जो है यूक्रेन पे अटैक कर सकता है। और दोस्तों, रूस अमेरिका इन लोगों के पास में इतना परमाणु बम है, इतना घातक हथियार है कि पूरी दुनिया को 5 क्या 10 बार खत्म कर दे तब भी खत्म नहीं होगा। और दोस्तों समझ जाइए, अगर आज के दिन में अगर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया रूस और अमेरिका में तो क्या कंडीशन होगा। और दोस्तों शेयर मार्केट भी पूरे दुनिया का काफी तेजी से नीचे आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूक्रेन से गलती क्या होगी। दोस्तों जब रूस से सारे देश अलग हो रहे थे, जब रूस का विघटन हो रहा था, तो यूक्रेन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री जो है उससे टूट करके वो बाहर निकला। और जब टूट करके बाहर निकला तो यूक्रेन के पास में रसिया का मोस्ट ऑफ द वेपन्स था, न्यूक्लियर वेपन्स था, घातक हथियार था। तो अगर वो घातक हथियार अभी तक उसके पास में होता तो रूस की हिम्मत नहीं होती कि यूक्रेन पे वो हमला कर पाया, हमला करने की सोचता। लेकिन हुआ क्या, उसे गलती क्या हुई, उसने अमेरिका और नेटो कंट्री के साथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम घातक हथियार को नष्ट कर देंगे, कि अगर किसी दूसरे गलत आदमी के हाथ में चला गया तो काफी गंभीर परिणाम हो सकता है। और उसने घातक रूस से विघटन होने के बाद जो घातक हथियार जब उसके हिस्से में आया था उसको उसने नष्ट कर दिया इस शर्त पे कि अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। अगर कुछ कोई भी देश उस पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। इसीलिए दोस्तों यूक्रेन के समर्थन में पूरी तरह अमेरिका आ गया है, क्योंकि उसने एग्रीमेंट से वो बंधा हुआ है कि अगर यूक्रेन पे कोई हमला करता है तो उसे उसका बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय विघटन के टाइम में उसने सारा हथियार उसने नष्ट कर दिया था, सारा न्यूक्लियर वेपर उसने नष्ट कर दिया था, जो कि अब पता चल रहा है कि काफी भारी गलती उसने कर दी है। दोस्तों यही है कहानी यूक्रेन और रशिया का। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंट। अगर आपके पास में न्यूक्लियर हथियार आज के दिन में है तो कोई दोस्त आप पे हिम्मत नहीं करेगा, हिमाकत नहीं करेगा हमला करने का। ओके, नमस्कार।